हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। अभी कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप सब ध्यान रखें, अपना घर में ही रहे, सेफ रहे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेरी डायरी सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। और जो भी मेरी डायरी सीरीज़ के जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें मेरे को कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं उसमें वो बातें बताती हूँ जो मेरे को अच्छी लगी है, जो मेरे दिल को टच कर गई है, और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब तक आपको भी वो अच्छी लगे। और अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो में लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसकी वीडियो की शुरुआत भी लाइक से ही होती है कि मैं एक दिन खाना बनाते बनाते सोच रही थी कि मेरी वीडियोस पे कब इतने व्यूज आएंगे, कब इतने लाइक्स आएंगे। मैं मेहनत तो कर रही हूँ, हालांकि मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल चालू किए हुए, लेकिन मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, तो कब आएंगे। कभी कभी व्यूज कम आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लगता है कि क्या पता वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, सबको अच्छा नहीं बना है, क्या पता आगे जा नहीं रहा है वीडियो को, सब कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो यूट्यूब अपनी तरफ से उसको आगे नहीं भेजता है। तो मैं सोच रही थी कि कब होगा, कब होगा। ऐसे में मेरे को कुछ बर्तन की जरूरत पड़ गई, तो एक टोकरी पड़ी थी जिसमें हम बर्तन धो के रखते हैं, तो मेरे को जो बर्तन चाहिए था वो एकदम नीचे पड़ा हुआ था। तो उसके लिए मेरे को पहले सारे बर्तन खाली करने पड़े, उसके बाद मेरे को जो चाहिए था वो मैंने लिया। तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ कि क्या पता अपनी किस्मत बड़ी है या मेहनत बड़ी है, किस्मत बड़ी या मेहनत। कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमको सफलता मिलने में टाइम लगता है ना। जैसे कि वो बर्तन जो है, वो पूरी जो टोकरी है, वो हमारा पूरी किस्मत है। अब हमको जो चाहिए वो नीचे पड़ा है, तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है नीचे से निकालने के लिए। कई लोग के साथ ऐसा होता है, उनको जो चाहिए वो एकदम ऊपर पड़ा होता है, तो जाते हैं और तुरंत ले लेते, तो कम मेहनत में काम हो जाता है। और जैसे मैंने बोला कि मेरे को पूरा खाली करना पड़ी, टोकरी खाली करनी पड़ी, मेरे को बहुत मेहनत लगी। तो मैं सोची कि हाँ, मतलब कोई मेरा वीडियो ऐसा बहुत अच्छा बनेगा जिसमें ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को बस मेहनत करनी है। जैसे मैं बर्तन खाली कर रही हूँ ऐसे मेरे को वीडियोस बनाते जाने हैं, पता नहीं कौन सा वीडियो सबको अच्छा लगे, किसमें लाइक्स आए। तो प्लीज़, मेरी किस्मत की चाबी आपके हाथ में है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट करें। अब आज के वीडियो के टॉपिक की बात करते हैं, तो आज के वीडियो का भी यही टॉपिक है कि किस्मत बड़ी है या मेहनत। आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको कोई चीज ऐसी है कि बिना मेहनत के मिल गई है या बस ऐसे ही मिल गई है, और अगर ऐसे मिली भी है तो उसका ज्यादा आप मतलब उसका खुश नहीं हो पाते वो आने के बाद। जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, है ना, वो हमको सब कुछ देते हैं, जैसे अब से हमारा जन्म हुआ, हमको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ देते हैं, सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं हमको, कभी उनके बदले में कुछ नहीं मांगते। और हमने बड़े होके जॉब कर ली, जैसे मैंने जॉब कर ली बड़े होके, उसके बाद अपने पैसों से जो हमने मेहनत करके कमाए है उससे एक छोटी सी चीज भी अपने मम्मी पापा को देते हैं, तो उससे हमको कितनी खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। क्यों? उनके लिए, और उनको भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हमने जो भी उनको दिया है, छोटी सी चीज दी है, वो मेहनत करके दी, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन उनको भी ज्यादा खुशी होती है और हमको भी ज्यादा खुशी होती है। तो मेहनत करके अगर आप कुछ लेते हो अपने लिए या किसी और के लिए, तो उसमें आपको दोगुना खुशी मिलती है, जैसे कि आपको ऐसे ही मिल जाता है, किस्मत से मिल जाता है। तो वो बहुत कम लोग होते हैं जिसके भाग्य अच्छा होता है और उनको सब कुछ इजीली मिल जाता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जैसे ये हमारा हाथ है ना, तो ये उंगलियां है, ये हमारा नसीब है, तो ये तो यहाँ पे है, इससे आगे ये क्या है, फिंगर्स है ना, इसी से हम सब कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो भगवान ने भी किस्मत से पहले मेहनत को दिया हुआ है, पहले आप मेहनत कीजिए उसके बाद भगवान आपका साथ देंगे। तो किस्मत तो तभी साथ देगी अगर आप मेहनत करोगे तभी। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि दो फ्रेंड्स थे, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, और एक जो फ्रेंड्स था वो काफी अच्छा था पढ़ाई में, और कॉलेज खत्म हो गई और दोनों अलग हो गए। अब 10 साल बाद दोनों मिलते हैं, दोनों को जॉब लग गई होती है, लेकिन एक जो होता है, जो होशियार होता है, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका होता है, उसके प्रमोशन होके काफी अच्छी पोस्ट में होता है, और जो दूसरा होता है वो इतनी अच्छी पोस्ट पे नहीं होता है, वो अभी भी प्रयास कर रहा है सफल होने के लिए। तो उस दोनों बातें कर रहे थे कि तुम्हारा तो नसीब ही अच्छा है, इसलिए तुमको अच्छी पोस्ट मिल गई है, मेरा तो नसीब ही खराब है। तो उसने बोला कि ऐसा नहीं है,
जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब जब तुम फ्री टाइम में दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते थे, लेक्चर बंक करते थे, वो सब करते थे, फिल्म देखने जाते थे, तब मैं नहीं आता था, या कभी कभी आता था लेकिन हर बार नहीं आता था, और मैं बैठ के पढ़ाई करता था या मैं आगे सोचता था, करियर ऑप्शन के बारे में सोचता था। तो अगर खाली समय का अगर सदुपयोग करोगे तभी सफलता मिलेगी। अगर खाली बैठे बैठे आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप सोचोगे कि मेरे को कोई मिल जाए तो ये कभी नहीं हो सकता है। और उसकी उस दोस्त की यही आदत आगे जाके भी उसको हेल्प करी, और उसने जॉब में भी वो ज्यादा काम करने लगा, अपने आप से प्रयास करने लगा, जब वो खाली होता था तो और ज्यादा काम करता था तो उसको प्रमोशन मिलता गया। तो मेहनत तो उसने करी है, मेहनत के बिना कुछ नहीं हुआ है। और मेरे को लगता है कि ये वीडियो बना के मैं आपसे ज्यादा खुद को मोटिवेट कर रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊ, मैं वीडियो बनाती रहूँ और कभी ना कभी मेरे को जरूर सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो मेरे को लगता है आपसे ज्यादा मेरे को खुद को मोटिवेट करने के लिए है। किस्मत मौका देती है और मेहनत चौंका देती है। मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो किस्मत तो मौके देती रहेगी, लेकिन अगर आप जैसे कि बैंक का लॉकर होता है उसमें दो चाबी होती है, आप समझ लीजिए किस्मत की चाबी है और एक मेहनत की चाबी। अपने पास जो है मेहनत की चाबी है, और अगर मैनेजर के पास है वो किस्मत की चाबी है। तो अगर दोनों चाबी एक साथ नहीं लगेगी तो लॉकर खुलेगा ही नहीं। लेकिन अपने को तो अपनी चाबी लगाते ही रहना है, क्या पता मैनेजर कब अपनी चाबी लगाए। जो मैनेजर वो है भगवान है, तो भगवान जी कब अपनी चाबी लगा दे और अपनी किस्मत भी खुल जाए। लेकिन ये तभी होगा जब हम मेहनत करेंगे। तो चलो देखते हैं कि हमारे वीडियो पे मेहनत और आपके वहाँ पे मेहनत, आप अपने वहाँ करिए, मैं यहाँ मेरे वीडियो पे मेहनत करती हूँ, देखते हैं हम दोनों कब सफल होते हैं। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 एक बार लाइक करिए और कमेंट करिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।